हम क्लास की शुरुआत रोज प्रार्थना से करने वाले हैं। तीन ओमकार लेंगे और प्रार्थना से हम शुरुआत करेंगे। बट हम ऐसा क्यों करते हैं? मुझे लगता है कि हर चीज का हमें रीजन अगर पता है तो हम वो अच्छे तरीके से करते हैं। सो जब हम क्लास में आते हैं तो हर कोई अपनी किसी भागदौड़ में से आया हुआ रहता है। उठ गए हैं, आज ये करना है, वो करना है, ऑफिस में ये, घर में ये, ऐसे कुछ कुछ हमारे दिमाग में चलता रहता है। जब हम प्रार्थना बोलते हैं तो हमारा दिमाग जो है वो कहीं ना कहीं शांत होने में हमें मदद होती है। जो दिमाग में इतने सारे थॉट्स रहते हैं वो कम होते हैं और हम कंसंट्रेशन अच्छे से कर सकते हैं। ये हुआ उसका एक बेनिफिट। दूसरा है इसके स्पिरिचुअल बेनिफिट्स, तो हमें सबको ही पता है कि हम प्रार्थना, अब वी आर इंडियंस ऑब्वियसली, तो प्रार्थना तो हमारे इसमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। और एक चीज रहती है कि हमारे दिमाग को आदत लगती है कहीं ना कहीं कि यस, अब इसका एक घंटा आगे का मैं पूरा वक्त योगा करने वाला हूँ या मेरा ध्यान पूरा वही होना चाहिए। सब लोग एक कंफर्टेबल आसन में बैठ जाइए, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। हमारी सिर्फ पीठ और गर्दन सीधी रहे, इस तरफ हमें ध्यान देना है और आंखें बंद करनी है। हर किसी को मेरे पीछे रिपीट करना है। गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म, गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः, गुरवे नमः, गुरवे नमः, नमः, गुरवे नमः। धीरे से आंखें खोलनी है और रिलैक्स बैठ जाना है। जैसे कि हमने अभी पहले सुना योग मतलब क्या, एक सिंपल अगर लैंग्वेज में कहा जाए तो योग मतलब आत्मा का परमात्मा से मिलन। और इसके कई सारे रास्ते हैं, जैसे भक्ति योग है, ज्ञान योग है, मंत्र योग है, हठ योग है, पातंजल योग है, और ऐसे कई सारे रास्ते हैं। सारे सही है, कोई भी गलत नहीं। सबका अल्टीमेट गोल जो है वो एक ही है कि हमें समाधि की ओर, मतलब मोक्ष की ओर बढ़ना है। बट अभी के लिए हमारा इतना, हम हाईएस्ट स्टेज के लेवल के गोल तक नहीं जाएंगे। अभी हमारा जो मेन एम है, जो गोल है, वो है हमारी माइंड और बॉडी को हेल्दी रखना। अब हम जो सीखने जा रहे हैं वो है अष्टांग योग, जो महर्षि पतंजलि ने बताया है। हम पूरे महीने में जो सीखेंगे वो सारे अष्टांग योग के ही अलग अलग टाइप्स या जो भी पार्ट्स रहेंगे वो रहेगा। अष्टांग मतलब आठ, और आठ अंग, आठ पार्ट्स, या ऐसे एट लिम्स ऑफ योगा ऐसे भी कहा जाता है। ये आठ अंग है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इन सबके बारे में हम क्लास में, जैसे जैसे आगे क्लास बढ़ता जाएगा वैसे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। बट जैसे कि हम कोई भी चीज शुरू करते हैं तो उसे कंटिन्यू रखने के लिए हमारा इंटरेस्ट उस चीज में बना रहना चाहिए, ये जरूरी है। इसलिए हम जो इस क्लास की शुरुआत कर रहे हैं वो हम आसन के साथ करने वाले हैं। पहले हम अलग अलग तरीके के आसन सीखेंगे, फिर हम एक एक स्टेज की तरफ और आगे आगे बढ़ते जाएंगे। क्लास से पहले सबको कुछ चीजों का ध्यान रखना है।
जैसे कि आप क्लास को आओगे उससे 3 से 4 घंटे पहले तक हमें कुछ भी नहीं खाना है, 3 से 3.5 घंटे तक। सो इसका भी रीजन हमें पता होना चाहिए। जब हम खाना खाते हैं तो वो खाना जो होता है वो अन्न नलिका में से हमारे जठर तक मतलब स्टमक तक आता है, तो वो वहां पे 3 से 4 घंटे उसे डाइजेस्ट होने में लगते हैं। प्रॉपर जो सारे डाइजेस्टिव जूसेस वगैरह उसमें वहां मिक्स होते हैं, वो डाइजेस्ट होता है और फिर वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन और हमारे जो जठर स्टमक होता है उसमें एक वॉल्व होता है, उसकी वजह से जब खाना हमारे स्टमक में से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो वो वहां से फिर वापस ऊपर की ओर नहीं आ सकता। पर हमारी जो अन्न नलिका और स्टमक है उसमें कोई भी वॉल्व या पर्दा नहीं होता है। तो जितना वक्त 3 से 4 घंटे जितना वक्त खाना स्टमक में है हमारे, अगर उस वक्त में हम योगा करते हैं या कोई भी हेवी एक्सरसाइजेस करते हैं तो हो सकता है कि वो खाना ऊपर की ओर आ जाए। इसलिए हमें 3 से 3.5 घंटे कुछ भी नहीं खाना है। अगर आप लिक्विड ले रहे हो तो हमें ध्यान रखना है कि हम 1 से 1.5 घंटे पहले तक लिक्विड ले सकते हैं कोई भी, उसके बाद हमें कुछ भी नहीं लेना है। योगासन करने के बाद में हमें 1.5 से 1 घंटे तक कुछ नहीं खाना है, क्योंकि हमारे जो पूरी बॉडी है उसके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उसे नॉर्मल स्टेट में आने के लिए 1.5 से 1 घंटा लगता है। सो हमें 1.5 से 1 घंटे तक कुछ भी खाना नहीं है। और एक चीज रहती है कि जैसे हम कुछ खा लेते हैं तो डाइजेशन के वक्त पूरा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हमारे डाइजेशन की ओर होता है। अगर हम उस वक्त पे कुछ भी करते हैं एक्सरसाइजेस तो वो ब्लड सर्कुलेशन डाइवर्ट हो जाता है अलग अलग बॉडी पार्ट्स की तरह से, डाइजेशन अच्छे से नहीं हो सकता है। तो ध्यान रखना है कि क्लास से पहले 3 से 3.5 घंटे हमें कुछ भी नहीं खाना है। और एक चीज होती है कि जब भी आप क्लास के लिए कोई जगह चूज कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि आप कोई क्लीन जगह चूज कर रहे हो योगा क्लास के लिए, वहां पे कोई आपको डिस्टर्बेंसेस ना हो ऐसा प्लेस चूज करो। और ध्यान रखना है कि एक ही जगह पर आप यूजुअली करते हो, ऐसे जरूरी नहीं है, बट थोड़ा फ्लेक्सिबल हो सकते हो कभी वो जगह अवेलेबल नहीं रही तो। बट फिर भी अगर हो सकता है तो आपको कोशिश करनी है कि आप एक ही जगह पर रोज आसन प्राणायाम का जो भी अभ्यास कर रहे हो, योगाभ्यास कर रहे हो, वो करना चाहिए। उसका भी एक रीजन कहा गया है हमारे ग्रंथों में कि हमारी जो पृथ्वी है वो 5 तत्वों से बनी हुई है। ये हमें सबको पता है, 5 एलिमेंट्स से हमारा अर्थ बना हुआ है, अग्नि वायु पानी उसके बाद में पृथ्वी और आकाश इस तरीके से। तो एक जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व है। अगर हम एक ही जगह पर बार बार योगाभ्यास करते हैं तो उसके पॉजिटिव वाइब्स हमें मिलते हैं और उसका हमें बहुत फायदा होता है। योगा के लिए आपको कंफर्टेबल ड्रेस पहननी है, जो भी आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसके साथ ही आपको करना है। बहुत टाइट ड्रेसेस नहीं पहननी है या एकदम लूज लूज कुछ तो और कंफर्टेबल सा पहनना है। लड़कियों के लिए स्पेशली एक इंस्ट्रक्शन है, आपको पीरियड्स में 3 से 4 दिन तक योगासन नहीं करने हैं, बट आपको क्लास जरूर अटेंड करना है, क्योंकि रोज क्लास में क्या रहेगा, जब हम सीखेंगे तो रोज कुछ तो पीछे का रिविजन रहेगा और रोज में कुछ ना कुछ नया सिखाऊंगी। तो अगर आप 3 से 4 दिन क्लास नहीं आओगे तो वो आप मिस कर जाओगे, या आपको 3 से 4 दिन बाद पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है क्लास में। सो आपको सिर्फ क्लास अटेंड करना है, आपको आना है क्लास में, बैठना है, देखना है, बट योगासन और प्राणायाम नहीं करने हैं। सो आज हम पहले अभी शुरुआत करते हैं कुछ चीजों का, इनका सबका ध्यान रखना है। आज हम शुरुआत करेंगे माइक्रो एक्सरसाइजेस के साथ में, सूक्ष्म व्यायाम। तो इसके वर्ड में ही इसका मीनिंग दिया हुआ है, सूक्ष्म। सूक्ष्म मतलब हमारे बॉडी के हर जो एक सेल होता है या हर छोटा से छोटा पार्ट होता है उसको इन व्यायाम से एक्सरसाइज मिलती है। अगर हम डायरेक्टली आसन करना शुरुआत कर देंगे तो हमारी बॉडी उसके लिए तैयार नहीं है अभी तक। सो धीरे धीरे सूक्ष्म व्यायाम ये हमारे जैसे वार्म अप के जैसे हमारे लिए काम करते हैं आसन से पहले तक। हम सिर्फ 2 या 3 दिन तक सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करने वाले हैं ताकि हमारी बॉडी थोड़ा सा इसके लिए शुरुआत मतलब रेडी हो सके आसन के लिए। और शुरुआत के सिर्फ 10 मिनट हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे हर रोज के लिए। तो आज पहले हम उन्हें सीखते हैं। सूक्ष्म व्यायाम के कई और बेनिफिट्स हैं, हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल होने में हमें इसके मदद होती है। उसी के साथ साथ कहा जाता है कि हमारी बॉडी में 72,000 नाड़ियां है, उनमें से जो प्राण है वो फ्लो होते रहता है। सो जब हम सूक्ष्म व्यायाम करते हैं तो उन जो नाड़ियों में ब्लॉकेजेस होते हैं वो रिमूव होने में, वो कम होने में मदद होते हैं, जिससे कि जो प्राण है वो इजीली फ्लो कर सकता है। उसी के साथ साथ अगर हमारे जॉइंट्स में कहीं पे ब्लॉकेजेस है तो वो कम होने में मदद होती है।
इसलिए हमें सूक्ष्म व्यायाम को स्किप कभी भी नहीं करना है, उसे हमें हमेशा करते रहना है। वो बहुत स्लो है इसलिए हमें लग सकता है कि यार हम क्या कर रहे हैं, ये तो हम घर पे भी कर सकते हैं, इसके लिए योगा क्लास क्यों ज्वाइन करना है, बट वो बहुत जरूरी है। सूक्ष्म व्यायाम कोई भी कर सकता है, कुछ भी हो, हर कोई, बच्चे से लेकर बड़े तक, बूढ़ों तक, हर कोई सूक्ष्म व्यायाम कर सकता है। सो सब लोग खड़े हो जाएंगे, एक बार मैं दिखाऊंगी आपको, हर बार बहुत इजी है, इसके लिए पहले एक बार मैं कर दिखाऊंगी और फिर आप लोगों ने करना है। और सब लोग अगर वीडियो ऑन करोगे तो मुझे बहुत फायदा होगा आप लोगों के लिए स्पेशली, क्योंकि मैं आपको करेक्ट कर सकती हूँ जहां पर भी आप गलत हो रहे हो। तो हर किसी ने वीडियो ऑन करना है प्लीज, और आपका मैट अच्छे से सेट कर लेना है। आपको ध्यान रखना है कि आप मुझे दिख रहे हो, इसका आपको इस तरीके से कैमरे को सेट कर लेना है। सब लोग खड़े हो जाएंगे, मैं एक बार कर दिखाऊंगी और उस तरीके से आपको करना है। मैं आपको अच्छे से दिखूं इसलिए अभी मैं बैठ रही हूँ, पर बाकी सब लोग खड़े रहकर करेंगे। दोनों पाव जुड़े हुए हैं, इसे दंड स्थिति भी कहा जाता है। हम कल बाकी की पूरी स्थितियां सीखेंगे कि जैसे हम चार स्थिति में से पोस्चर्स करने वाले हैं, तो हम कल वो सीखेंगे, बट आज हम अभी पहले सूक्ष्म व्यायाम के लिए शुरुआत करते हैं। पहले हम करेंगे ग्रीवा शक्ति विकासक, मतलब नेक मूवमेंट्स। तो उसमें हमें सबसे पहले एक बार मैं कर दिखाऊंगी, फिर बाद में दो बार आप लोग करोगे, इंस्ट्रक्शंस मैं दूंगी उस तरीके से। एक को हमें सिर्फ गर्दन को नीचे की ओर मोड़ लेना है हल्के से। ध्यान रखना है कि हमारे चिन को हमें चेस्ट पर लगाने की कोशिश करनी है। एक, दो को फिर से सीधा होना है, दो, तीन को पीछे की ओर गर्दन को झुकाना है, तीन, और चार को गर्दन को सीधा कर लेना है, चार। इस तरीके से अब सब लोग करेंगे। एक को हमें गर्दन को नीचे की ओर लेकर आना है, एक, सामने की ओर झुकाना है, दो को गर्दन को सीधा करना है, दो, तीन को गर्दन को पीछे की ओर मोड़ना है, तीन, और चार को गर्दन को फिर से सीधा करना है, चार। हम एक बार करेंगे, एक, गर्दन नीचे की ओर, दो, धीरे से गर्दन को सीधा करना है, तीन, गर्दन पीछे की ओर, और चार, गर्दन को फिर से सीधा कर लेना है। हमें ध्यान रखना है कि हम बहुत धीरे से करें, हमें बिल्कुल भी जर्क नहीं देना है बॉडी पर। अगले इसमें हम गर्दन को लेफ्ट साइड में मोड़ लेंगे, एक, दो को गर्दन को सीधा करेंगे, दो, तीन को हमें राइट साइड की दीवार देखनी है, तीन, और चार को हम गर्दन को फिर से सीधा कर लेंगे, चार, है ना। सब लोग करेंगे। एक को हमें लेफ्ट साइड की ओर मुड़कर देखना है, एक, सिर्फ गर्दन से, दो को गर्दन को सीधा करना है, दो, तीन को राइट साइड की ओर, तीन, चार को गर्दन को सीधा कर लेना है, चार। फिर से एक बार करेंगे, एक, दो, तीन, और चार। हम आगे बढ़ेंगे, इसमें हमें नेक रोटेशन करना है। तो एक को हम गर्दन को सिर्फ नीचे की ओर ले लेंगे, एक, सब लोगों ने पहले देख लेना है, फिर हम करेंगे। दो को हमें लेफ्ट साइड से रोटेशन शुरू करना है, लेफ्ट साइड की ओर, तीन को पीछे की ओर, चार को राइट साइड की ओर, और पांच को नीचे की ओर, और फिर हम अपोजिट साइड से शुरू करेंगे, छह को राइट साइड की ओर, सात पीछे की ओर, आठ लेफ्ट साइड की ओर, नौ नीचे की ओर, और दस को गर्दन को सीधा कर लेना है। अब सब लोग करेंगे, एक, गर्दन नीचे की ओर, दो, रोटेशन शुरू करना है लेफ्ट साइड से, धीरे धीरे लेफ्ट साइड से पीछे की ओर, राइट साइड पे नीचे की ओर, अब अपोजिट साइड से रोटेट करना है, एक, लेफ्ट राइट से पीछे की ओर, लेफ्ट साइड पे नीचे की ओर, और गर्दन को सीधा कर लेना है। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसमें हमें क्या करना है, हाथों की जो उंगलियां है उसे इंटरलॉक कर लेना है और उसे पीछे की ओर रख लेना है हमारे सिर पर इस तरीके से, और फिर दो को हमें जो हाथों से सिर को पुश करना है और गर्दन से रेजिस्ट करना है,
हाथों से सिर को पुश करना है और गर्दन से इसको रेजिस्ट करना है। ऐसे हम तीन बार करेंगे। सब लोगों ने करना है, धीरे करना है हमें। दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक कर लेना है, उसे सिर की ओर पीछे रख लेना है। दोनों हाथों से हमें सिर को पुश करना है और गर्दन से उसे रेजिस्ट करना है। तीन बार करना है हमें। इससे हमारी जो गर्दन है वहां के मसल स्ट्रॉन्ग होने में हमें मदद होती है। दोनों हाथ नीचे। अब हम सेम इसे सामने की ओर से करेंगे। लेफ्ट हैंड को हमें हमारे फोरहेड पर रख लेना है, उसके ऊपर हम राइट हैंड को रख लेंगे और अब हमें सिर को पुश करना है और गर्दन से रेजिस्ट करना है। ऐसे हम दो से तीन बार करेंगे और रिलैक्स, दोनों हाथ जगह पर। अब हम करेंगे रिलैक्स, है ना। अब हम करेंगे स्कंध शक्ति विकासक, मतलब हमारे शोल्डर के लिए एक्सरसाइज, शोल्डर एक्सरसाइज। इसके लिए हमें क्या करना है, हम खड़े हैं सब लोग, मैं दिखा रही हूँ इसलिए मैं सिर्फ बैठी हूँ क्योंकि आपको मैं अच्छे से दिख पाऊंगी। और दोनों हाथ हमारे थाइस के पास में है और अब हमें शोल्डर को ऊपर की ओर खींच लेना है, स्ट्रेच करना है, कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करना है और फिर उसे रिलैक्स जगह पर लेना है। सांस लेते हुए हम शोल्डर को ऊपर की ओर खींच लेंगे और दोनों, फिर सांस छोड़ते हुए फिर से दोनों शोल्डर जगह पर, है ना। सब लोग करेंगे, बाकी लोगों ने प्लीज वीडियोस ऑन करने हैं ताकि मैं आपको करेक्ट कर सकूं और आप मुझे दिखोगे तो मुझे भी समझ में आएगा कि आप क्या कर रहे हो, है ना। बाकी सब लोगों ने शुरू करना है। सांस लेते हुए हमें शोल्डर को ऊपर की ओर खींच लेना है, कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करना है और धीरे से फिर से उसे जगह पर लाकर रखना है। एक बार करेंगे, सांस लेते हुए शोल्डर्स को ऊपर की ओर खींच लेना है और रिलैक्स, दोनों शोल्डर जगह पर। हम फिर से एक बार करेंगे, सांस लेते हुए और रिलैक्स, है ना। अब हम शोल्डर रोटेशन करेंगे, इसलिए हमारी जो दोनों हाथों की उंगलियां है उससे हमें शोल्डर पर रख लेना है, थोड़ा सा फैलाकर इस तरीके से। हमारे दोनों एल्बोस को हमें जॉइन कर लेना है सामने की ओर से और फिर हमें उसे राउंड में घुमाना है। ऐसे हम पांच बार करेंगे। तो बाकी लोगों ने भी दोनों हाथ की उंगलियों को शोल्डर पे रख लेना है, दोनों एल्बोस को सामने की ओर से जोड़ लेना है और फिर अब उसे राउंड में घुमाना है, है ना। ऐसे हम पांच बार करेंगे। हर बार जब हम आगे की ओर आ रहे हैं हमारे दोनों एल्बोस ज्वाइन होने चाहिए और फिर हमें राउंड में करना है। जब पांच राउंड हो जाए सब लोगों ने हाथ नीचे की ओर ले लेने हैं, रिलैक्स, और फिर से अब हमने अपोजिट साइड से हम राउंड करेंगे। दोनों हाथों को सामने की ओर से दोनों एल्बोस को ज्वाइन कर लेना है और अपोजिट साइड से राउंड करना है। हम पांच बार राउंड करेंगे। पूरी तरीके से सर्कल बनना चाहिए, इस तरीके से हमें करना है। जैसे ही पांच राउंड होते हैं दोनों हाथ जगह पर, रिलैक्स। अब हम करेंगे, अभी हमने किया था स्कंद शक्ति विकासक, अब हम करेंगे भुजा शक्ति विकासक, मतलब हमारे हाथों के लिए एक्सरसाइज। तो इसमें हमें क्या करना है, हमारे दोनों हाथों की मुठ्ठियां बंद कर लेनी है। एक को हमें लेफ्ट हैंड हाथ को राइट साइड में क्रॉस कर लेना है और उसे राइट हैंड से पुश करना है, इस तरीके से। जो राइट हैंड है हमारा दूसरा, उसे हमें पुश करना है और धीरे से फिर राइट हैंड को जगह पर रखना है और लेफ्ट हैंड को जगह पर ले लेना है, है ना। इसी तरीके से हम राइट साइड से भी करेंगे। हमें राइट हैंड को लेफ्ट साइड की ओर क्रॉस कर लेना है
लेफ्ट हाथ को हमें एल्बो में से फोल्ड कर लेना है, मोड़ लेना है और फिर उससे थोड़ा सा राइट हैंड को पुश करना है। हाथ को हमें सीधा रखना है, राइट हैंड को। वेरी गुड, रिलैक्स। हाथ लेफ्ट हैंड जगह पे, राइट हैंड जगह पे। हम फिर से एक बार करेंगे। मैं फिर से बोल रही हूँ, सब लोगों ने प्लीज वीडियोस ऑन करने हैं ताकि मुझे समझ सके कि आप क्या कर रहे हो। एक को हम लेफ्ट हैंड को राइट की ओर क्रॉस कर लेंगे और राइट हैंड से उसे पुश करना है। रिलैक्स, दोनों हाथ जगह पर। अब हम राइट साइड से करेंगे। राइट हैंड को हमें लेफ्ट की ओर क्रॉस कर लेना है और उसे पुश करना है। रिलैक्स, दोनों हाथ जगह पर। दोनों हाथों की नेक्स्ट, इसमें हमें दोनों हाथों की मुट्ठी बंद करनी है। मेक अ फिस्ट ऑफ योर हैंड। दोनों हाथ आगे की ओर सामने लेने हैं और दोनों हाथों की कलाइयों को घुमाना है क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे 4 से 5 राउंड हमें दोनों साइड से करने हैं। ध्यान रहे कि हमारे दोनों हाथ जुड़े हुए हैं, है ना? दोनों हाथों को जुड़ा कर रखना है, दोनों हाथों की मुट्ठियों को, और फिर करना है। और धीरे से हम दोनों हाथ जगह पर रख लेंगे। रिलैक्स। अब हम करेंगे कटी शक्ति विकासक, मतलब ट्रंक मूवमेंट्स। तो उसके लिए हमें पाँव में हल्का सा डिस्टेंस ले लेना है। एक पे, दो पे हमें दोनों हाथों को शोल्डर की लाइन में ले लेना है। दो, तीन को हमें ध्यान रखना है कि पूरी तरीके से सांस छोड़ते हुए हम सिर्फ ऊपर के पार्ट से, अपर बॉडी से पीछे की दीवार देखने की कोशिश करेंगे। पहले लेफ्ट साइड से करेंगे और इस वक्त हमें ध्यान देना है कि हमारा जो राइट हैंड है वो हमारे लेफ्ट शोल्डर पे है और लेफ्ट हैंड जो है वो हमारा पीठ की ओर पीछे है। और इस तरीके से पूरी तरीके से सांस छोड़ते हुए हमें पीछे की ओर मुड़कर देखना है। लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से हम पीछे की ओर मुड़कर देखेंगे और फिर धीरे से सांस लेते हुए हमें सीधा हो जाना है और दोनों हाथ जगह पर। अब हम फिर से एक बार करेंगे। हमें दोनों हाथों को शोल्डर की लाइन में लेना है। इस बार हम राइट साइड से करेंगे, इसलिए सांस छोड़ते हुए राइट साइड से पीछे की दीवार देखने की कोशिश करनी है। हमें ध्यान देना है कि हमें सिर्फ अपर बॉडी से पीछे की ओर, धीरे से सांस लेते हुए फिर से कमर से सीधा हो जाना है और दोनों हाथ जगह पर। ये इसको एक कटी शक्ति, कटी चक्रासन भी कहा जाता है। ये एक आसन भी है। अब हम आगे बढ़ेंगे। इसमें हमें फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंडिंग करने हैं। हमारे दोनों पाव में डिस्टेंस है। हमें एक को, एक चीज हमें ध्यान रखनी है योगा करते वक्त, आज से पूरे एक महीने के लिए या जब भी हम योगासन करेंगे, तो जब भी हम आगे की ओर झुकते हैं या ग्रेविटी की ओर जाते हैं तो हमें पूरी तरीके से सांस छोड़कर फिर नीचे की ओर जाना है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें गैसेस की प्रॉब्लम होने की चांसेस होते हैं, क्योंकि हमारी जो बॉडी है उसमें पूरा वक्त सारे वायु रहते हैं, तो वो मतलब गैस होने की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, गैसेस होने की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। क्योंकि हम नीचे की ओर जब झुकते हैं तब पेट पर दबाव आता है और उस दबाव की वजह से ऐसे होता है कि वो जो वायु है वो किसी भी तरीके से बॉडी में कहीं और जाने की चांसेस रहते हैं। सो एक मेन चीज हमें सिर्फ जितना ध्यान रखना है वो है कि जब भी हम कुछ भी आसन करेंगे तब जब आगे की ओर झुकेंगे तो पूरी तरीके से सांस छोड़कर फिर नीचे की ओर झुकेंगे, है ना? तो फॉरवर्ड बेंडिंग में हमें एक को, दोनों पाँव में डिस्टेंस हमने लिया है, एक को सांस लेते हुए दोनों हाथों को हमें कमर पर रख लेना है। एक और दो को पूरी तरीके से सांस छोड़ते हुए हमें सामने की ओर से झुक जाना है। दो, हमारे सिर को घुटनों से लगाने की कोशिश करनी है
फिर धीरे से सांस लेते हुए हम कमर से सीधा हो जाएंगे ए, और दोनों हाथ जगह पर दो एक से। अब हम इसी तरीके से बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे, एक को सांस लेते हुए हमें दोनों हाथ कमर पर रखने हैं एक, को हमें पूरी तरीके से सांस छोड़ते हुए पीछे की ओर झुकाना है दो। सांस लेते हुए हम सीधा हो जाएंगे एक, और दोनों हाथ जगह पर दो। अब हम साइड बेंडिंग करेंगे, तो एक को दोनों हाथ हमारे सांस लेते हुए कमर पर एक, दो को हमें सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड की ओर झुक जाना है दो। तीन को सांस लेते हुए हमें सीधा होना है तीन, चार को सांस छोड़ते हुए हमें राइट साइड की ओर बेंड होना है चार, पांच को हमें सांस लेते हुए कमर से सीधा हो जाना है पांच, और छह को दोनों हाथ जगह पर छह। हम फिर से एक बार करेंगे, एक को दोनों हाथ हमारे हम अब पूरा ये करेंगे, पहले फॉरवर्ड बेंडिंग फिर बैकवर्ड बेंडिंग फिर साइड बेंडिंग, ये हम एक बार फिर से रिपीट करेंगे। एक को सांस लेते हुए दोनों हाथ हमारे कमर पर एक, दो को सांस छोड़ते हुए हमें सामने की ओर झुकना है दो, तीन को धीरे से सांस लेते हुए हमें कमर से सीधा होना है तीन, चार को हमें सांस छोड़ते हुए पीछे की ओर मुड़ जाना है चार, पांच को सांस लेते हुए कमर से सीधा होना है पांच, दोनों हाथ जगह पर छह। हमें सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में झुक जाना है दो, तीन को सांस लेते हुए कमर से सीधा हो जाएंगे तीन, चार को सांस छोड़ते हुए हमें राइट साइड में बेंड होना है चार, पांच को सांस लेते हुए हमें कमर से सीधा हो जाना है पांच, और छह को दोनों हाथ जगह पर छह। अब सब लोगों ने सिर्फ एक बार देखना है, हम रोटेशन करने वाले हैं वेस्ट रोटेशन, पहले एक बार सब लोग देख लेंगे प्रॉपर इंस्ट्रक्शन सुन लेंगे फिर उसके बाद में आपको करना है। ट्रंक रोटेशन के लिए एक को सांस लेते हुए हमें दोनों हाथ कमर पर रखने हैं एक, दो को पूरी तरीके से सांस छोड़ते हुए हमें सामने की ओर झुक जाना है दो, तीन को हमें सब लोगों ने देख लेना है पहले है ना, तीन को हमें सांस लेते हुए लेफ्ट साइड से रोटेशन शुरू करना है, फिर हमें पीछे की ओर आना है सांस लेते हुए, अब सांस छोड़ते हुए हमें राइट साइड पे आना है और पूरी तरीके से सांस छोड़ते हुए सामने की ओर आना है। अब यही से हम रिवर्स करेंगे, सांस लेते हुए हमें राइट साइड पे आना है, पूरी तरीके से सांस लेते हुए हमें पीछे की ओर आना है, सांस छोड़ते हुए हमें लेफ्ट साइड पे आना है, और पूरी तरीके से सांस छोड़ते हुए हमें सामने की ओर आ जाना है। सांस लेते हुए हम सीधा हो जाएंगे और दोनों हाथ जगह पर। रोटेशन है वेस्ट रोटेशन, हमें लेफ्ट साइड से शुरू करना है, पूरा राउंड करना है, सामने की ओर आना है, और फिर से हमें अपोजिट साइड से राउंड कर सामने की ओर आकर कमर से सीधा होना है। इसमें एक चीज का ध्यान रखना है हमें, जब हम सांस ले रहे हैं मतलब आधे राउंड तक हमें सांस लेना है, और जब हम जमीन की ओर आए वापस तो आधे राउंड तक सांस छोड़ते हुए हमें सामने की ओर आना है। अब सब लोग करेंगे, दोनों पाँव में डिस्टेंस है, एक को हम सांस लेते हुए दोनों हाथों को कमर पर रखेंगे एक, दो को हमें पूरी तरीके से सांस छोड़ते हुए सामने की ओर झुक जाना है दो, तीन को हम लेफ्ट साइड से रोटेशन शुरू करेंगे सांस लेते हुए लेफ्ट साइड की ओर धीरे धीरे तीन, चार को पूरी तरीके से पीछे चार,
पांच को सांस छोड़ते हुए हमें राइट साइड पे आना है, पांच, और छह को पूरी तरीके से सांस छोड़ते हुए सामने की ओर, छह, सात को सांस लेते हुए हमें राइट साइड की ओर से रोटेशन शुरू करना है, सात, आठ पीछे की ओर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड की ओर, नौ, और दस को पूरी तरीके से सांस छोड़ते हुए सामने की ओर, ग्यारह को सांस लेते हुए हमें सीधा हो जाना है, ग्यारह और बारह को दोनों हाथ जगह पर, बारह। इस तरीके से हम एक बार फिर से करेंगे, एक को सांस लेते हुए दोनों हाथ कमर पर, एक, दो को पूरी तरीके से सांस छोड़ते हुए हमें सामने की ओर झुक जाना है, दो, तीन को हमें सांस लेते हुए लेफ्ट साइड से रोटेशन शुरू करना है, तीन, पीछे की ओर, चार, सांस छोड़ते हुए राइट साइड पे, पांच, पूरी तरीके से सांस छोड़ते हुए, छह, अब राइट साइड से रोटेशन शुरू करेंगे, सांस लेते हुए सात राइट साइड की ओर, आठ पीछे की ओर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड पे, नौ सामने की ओर, दस सांस लेते हुए सीधा हो जाना है, ग्यारह और दोनों हाथ जगह पर, बारह। ये हमने किया वेस्ट रोटेशन, अभी हमने किए थे कटी शक्ति विकासक, अब हम करेंगे जंघा शक्ति विकासक। तो जंघा शक्ति विकासक में हमें क्या करना है, जंघा शक्ति विकासक मतलब हमारे थाइस के लिए ये मूवमेंट्स है, इसमें हमें क्या करना है, पहले मुझे मेरे पाव देखने हैं सबने, हमारे जो हील्स है उसे जॉइन करना है और टोज में हमें डिफरेंट डिस्टेंस ले लेना है, इस तरीके से, है ना। दोनों हील्स मेरे जॉइन है, मेरी जो एरिया है पाव की उन्हें मैंने जॉइन कर लिया है और दोनों टोज में मैंने डिफरेंस डिस्टेंस लिया है और दोनों हाथों को शोल्डर की लाइन में लेना है। एक बार सब लोग देख लेंगे, सिर्फ दोनों हाथ हमारी शोल्डर की लाइन में। अब हमें टोज पर आ जाना है, हमारे जो आगे के पंजे है उस पर आना है और हमें इस तरीके से घुटने में से बेंड होना है और कुछ वक्त के लिए इसे होल्ड करना है। इससे हमें हमारी यहाँ जो थाइस है जांघों पर हमें स्ट्रेस महसूस होगा। कुछ वक्त के लिए होल्ड करने के बाद में हम घुटनों में से सीधा हो जाएंगे और दोनों पंजों को, दोनों हील्स को जमीन पर रख देंगे। एक बार आप सामने की ओर से देख सकते हो, दोनों पाव की जो एरिया है मेरी वो जुड़ी हुई है, दोनों पाव में डिस्टेंस है, मैं टोस पर दोनों हाथ शोल्डर लेंथ में टोस पर आना है और फिर हमें घुटनों में से बेंड होना है इस तरीके से। इससे हमारी थाइस पर स्ट्रेस महसूस होगा। कुछ वक्त के लिए बेंड करने के बाद में हमें सीधा होना है घुटनों में से और दोनों पाव को जमीन पर रख देना है। अब सब लोग करेंगे तो एक को हमें आगे से दोनों टोज में डिस्टेंस लेना है, दोनों हील्स हमारी जुड़ी हुई है, दोनों एरिया जुड़ी हुई हमारी, टोज पर आ जाना है, दोनों हाथ शोल्डर की लाइन में ले लेने हैं और घुटनों में से हमें बेंड हो जाना है। कुछ सेकेंड्स के लिए हमें होल्ड करना है, जितना नीचे की ओर हम बेंड हो सकते हैं उतना अच्छा है और धीरे से रिलैक्स, हमें घुटनों से सीधा होना है, दोनों हाथ जगह पर और दोनों पाव जमीन पर हमारे जुड़े हुए। अगर किसी को तकलीफ हो रही है तो उन्होंने ये स्किप किया तो भी चलेगा, पर बाकी सब लोगों ने कोशिश करनी है। हम फिर से एक बार करेंगे, हमारी दोनों एरिया पाव की जुड़ी हुई, हमारे टोज में हमें डिस्टेंस ले लेना है, दोनों हाथ हमारे शोल्डर लाइन में, शोल्डर लेंथ में, और हमें टोज पर आना है। पहले सबसे पहले हमें टोज पर आ जाना है और अब हमें घुटनों में से बेंड होना है धीरे से, जितना नीचे हम बेंड हो सकते हैं उतना अच्छा है। कुछ सेकंड्स के लिए हम होल्ड करेंगे, जितने वक्त के लिए हम होल्ड कर सकते हैं, और धीरे से हमें घुटनों में से सीधा हो जाना है, दोनों टोस हमारे जमीन पर, दोनों हाथ जगह पर। ये था हमारी थाइस के लिए। अब हम करेंगे हमारे नीज के लिए, इसे कहते हैं जानु शक्ति विकासक।
तो जानो शक्ति विकास में सबसे पहले हमें करना है नी मूवमेंट्स में, हमारे जो नी है उसे हमें सिर्फ श्रिंक करना है और रिलैक्स करना है, उसमें सिर्फ श्रिंक कर लेना है नीज को और रिलैक्स करना है ना। तो सब लोग करेंगे, ये हमारी नीज के लिए बहुत अच्छा है। कहते हैं कि अगर आप इसका रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो जो घुटनों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं या जो कभी ऑपरेशंस वगैरह होते हैं तो उसमें आपको बहुत मदद होती है, मतलब वहां तक पहुंचने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। घुटनों को श्रिंक करना है और रिलीज करना है, ऐसे 3 से 4 बार करना है हमें। वो एक्चुअली दिखाई नहीं देगा, फिर भी मैं पास में आती हूँ और देखना है कि श्रिंक करना है घुटनों को, खींच लेना है अंदर की ओर और फिर रिलीज कर देना है। ऐसे हम 4 से 5 बार करेंगे। जैसे ही हो जाता है रिलैक्स, हम आगे, सबका हो गया थम्स अप डन, ओके। तो हम नी रोटेशन करेंगे, उसके लिए हमें दोनों हाथों को घुटनों पर रखना है, घुटनों पर सब बेंड होना है और घुटनों को घुमा लेना है क्लॉकवाइज और विद एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे हमें 3 से 4 राउंड करने हैं, धीरे करना है, बिल्कुल भी कोई गड्डी नहीं करनी है। सूक्ष्म व्यायाम माइक्रो एक्सरसाइजेस का पर्पस ही वो है कि आप एकदम धीरे धीरे करो, ताकि जो आपके टाइनीएस्ट सेल्स है या बॉडी के जो एकदम सटल पार्ट्स है या एकदम छोटे छोटे पार्ट्स है उन्हें भी एक्सरसाइज मिल सके, है ना। जैसे ही 3 से 4 राउंड होते हैं रिलैक्स, खड़े रहना है। अब हम करेंगे चेयर पोजीशन। चेयर पोजीशन में हमारे दोनों पांव जुड़े हुए हैं, हाथों को हमें सामने की ओर लेना है, एक पे, दो पे हमें टोस पे आ जाना है और 3 पे हमें घुटनों में से घुट जाना है। और जैसे हम चेयर पे बैठते हैं इस तरीके से हमें बैठने की कोशिश करनी है। जितना हम ज्यादा नीचे की ओर बैठ सके उतना नीचे की ओर बैठना है। ध्यान रखना है कि हमारा धीरे से घुटनों में से सीधा होना है, दोनों हाथ जगह पर। फिर से एक बार करेंगे, एक को दोनों हाथ सामने की ओर, टोस पर आना है और घुटनों में से मुड़ जाना है। जैसे हम चेयर पे बैठते हैं उतनी हाइट तक हमें बैठने की कोशिश करनी है। रिलैक्स, धीरे से आसन छोड़ेंगे, एक दो दोनों हाथ। अब हम करेंगे एंकल मूवमेंट्स। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक को सिर्फ पाव को हल्का सा ऊपर उठा लेना है, उसे सपोर्ट देना है हाथों से और एंकल को रोटेट करना है। अगर ये डिफिकल्ट लग रहा है तो आप नॉर्मली भी सिर्फ पाव को हल्का सा आगे कर सकते हो और एंकल रोटेट कर सकते हो, है ना। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हमें पाव को रोटेट कर लेना है। दूसरी पाव से करेंगे, दोनों पाव जगह पर। ये हमारे हुआ हमारे एंकल्स के लिए। अब हम करेंगे हमारे काफ्स जो है उसके लिए हमें कुछ तो करना है, जो हमारे पोटरी या जो काफ्स है उसके लिए। तो उसके लिए हमें टोस पर आना है और बॉडी को ऊपर की ओर खींचना है, सिर्फ टोस पर आकर होल्ड करना है कुछ वक्त के लिए। आपको काफ्स पे स्ट्रेस महसूस होगा, सिर्फ हमें टोस पर आना है इस तरीके से और बॉडी को ऊपर की ओर खींचना है, है ना। मैं सिर्फ मेरे पाव दिखे इतना मैं ध्यान रखूंगी, बॉडी को ऊपर की ओर खींच लेना है, रिलैक्स और फिर से एक बार करना है। ऐसे 3 से 4 बार हमें करना है।
रिलैक्स, जब सबका हो जाए तो हम आगे बढ़ेंगे और इसके लिए हमें टोस पर आना है और जंप करना है, घुटनों को सीधा रखकर जंप करना है इसे। हमारे पास जमीन से ऊपर हमें इसका हमें ध्यान रखना है। हमें 15 से 20 जंप तो भी करने ही है मिनिमम। रिलैक्स, सब लोग सो जाएंगे जमीन पर। हम शवासन करने वाले हैं, एक बार देख लेना है। शवासन के लिए सोने के बाद में, शयन स्थिति में आने के बाद में, हमें दोनों पांव में 1 से 1.5 फीट का डिस्टेंस लेना है। दोनों हाथ हमारी जो है वो बॉडी से 4 से 6 इंच दूर रहेंगे और गर्दन कोई भी एक साइड पे, जहां पे भी आपको कंफर्टेबल हो, लेफ्ट या राइट साइड पे। दोनों हाथ की हथेलियां है वो आसमान की ओर रहेगी। सब लोगों ने शवासन में आना है। संत श्वसन, अभी अभी हमने माइक्रो एक्सरसाइजेस किए हैं, उस वजह से शरीर पर जहां कहीं भी तनाव महसूस हो रहा है वहां मन से जाकर उसे कम करने की कोशिश करनी है। बॉडी को रिलैक्स कर लेना है। मन में कोई भी थॉट्स नहीं चाहिए, मन को भी शांत करने की कोशिश करनी है। संत श्वसन, पूरी बॉडी को रिलैक्स करने की कोशिश करनी है। हमारा ध्यान हमारी सांसों पर। हमें 3 लंबी लंबी सांसें लेनी है और लंबी लंबी सांसें छोड़नी है। श्वसन, बॉडी को पूरी तरीके से रिलैक्स करने की कोशिश करनी है। मन को शांत करने की कोशिश करनी है। सावधान, वाले हैं ऐसी मन को सूचना देनी है और धीरे आंखें खोलते हुए गर्दन सीधी, 1, दोनों हाथ जगह पर, 2, और दोनों पांव जुड़ा लेने हैं, 3, और अब हमें रिलैक्स बैठक स्थिति में आ जाना है, उठकर बैठ जाना है।
पहले 2 से 3 दिन तक क्लास हम थोड़ा स्लो रखेंगे, ताकि बहुत लोगों ने बहुत टाइम से कुछ भी एक्सरसाइजेस नहीं किए हैं, तो ऐसे ना हो कि हम आसन करें और उन्हें तकलीफ हो। तो पहले 2 से 3 दिन तक क्लास स्लो रहेगा, उसके बाद में फिर आपको आदत हो जाएगी। आज हमने सिर्फ माइक्रो एक्सरसाइजेस सीखे, कल हम सूर्य नमस्कार सीखने वाले हैं। बट सूर्य नमस्कार सीखते वक्त हम 3 चीजों का ध्यान रखने वाले हैं। एक है, सबसे पहले हम मंत्र के साथ में सूर्य नमस्कार करते हैं। दूसरा है, हम उस पोस्चर को देखेंगे कि पोस्चर कैसा होना चाहिए। और सूर्य नमस्कार मतलब सारे आसनों की चेन ही है, उसमें अलग अलग आसन ही है, तो हर आसन के बेनिफिट्स क्या है और वो सूर्य नमस्कार में क्यों है, वो हम उसके पोस्चर सही से देखेंगे। और तीसरा है कि हर पोस्चर में आपको कब सांस लेना है, कब सांस छोड़ना है, तो उसके ब्रीदिंग टेक्निक्स भी हम सूर्य नमस्कार में कल देखेंगे। अब हम आगे के 2 से 3 दिन तक रोज पहले 10 मिनट तक सिर्फ माइक्रो एक्सरसाइजेस करेंगे, ताकि हमारी बॉडी थोड़ा वार्म अप हो सके, बॉडी हमारी रेडी हो सके कि हम आगे के आसन और प्राणायाम कर सके। इसलिए उसके बाद में कल हम सूर्य नमस्कार सीखेंगे और फिर आगे की ओर, यानी जैसे 3 से 4 दिन के बाद में हम क्लास सिर्फ सूर्य नमस्कार के साथ शुरू करेंगे, माइक्रो एक्सरसाइजेस करना बंद कर देंगे। सो 2 से 3 दिन तक हर एक को ध्यान से माइक्रो एक्सरसाइजेस करने हैं, ताकि आपको याद भी हो जाए, तो यानी आप आगे कभी उसे कर सकते हो। आज के लिए हम क्लास में इतना ही सीखेंगे, अब कल मिलेंगे हम। तो उससे पहले हम प्रार्थना और ओमकार लेंगे। तो सब लोगों ने एक कोई भी कंफर्टेबल जो आसन है उसमें बैठ जाना है, पीठ और गर्दन सीधी, आंखें बंद, मन में कोई भी थॉट्स नहीं, ओम असतो मा सद्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति 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 ही। हर किसी ने रिपीट करना है, आज पहला दिन है इसलिए कुछ चीजें बतानी बाकी है। जब भी मैं प्रार्थना बोलूंगी तो उसके बाद में मैं कुछ वक्त के लिए रुकती हूँ, सो हमें प्रार्थना और ओंकार दोनों चीजें मेरे पीछे रिपीट करनी है। हम कल या परसों के सेशन में ओंकार किस तरीके से हमें सही से बोलना है ये भी सीखने वाले है। सो हर किसी ने रिपीट करना है ना। आज के लिए हम यही रुकेंगे। हरि ओम। किसी को कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो। आप आपको अनम्यूट करके डायरेक्टली पूछ सकते हो या फिर चैट बॉक्स में डाल सकते हो। हेलो। हाँ, जब वो टोज ऊपर करके बेंड कर